देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं। महामारी की वजह से अब तक देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कोरोना वैक्सीन बन चुकी है और लोगों को इसकी डोज भी लग चुकी है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में एक बार फिर संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस महामारी में भारतीय क्रिकेटर राहुल शर्मा के पिता की भी जान चली गई। 2011 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने वाले राहुल शर्मा के पिता को कोरोना से जंग हारने के बाद उनका निधन हो गया। राहुल ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। लेग स्पिनर राहुल शर्मा ने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, शर्मा साहब जल्दी कर गए यार, माफ़ कर दो, कोरोना से आपको बचा नहीं सका। आपके बिना ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। मैंने सब कुछ आपसे सीखा है, आपके लड़ने का जुनून, संकल्प शक्ति, कड़ी मेहनत, निष्ठा, बहुत कुछ सीखा है। आपसे प्यार हमेशा रहेगा डैड, रब्बा मेरे पिता का ध्यान रखना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भारतीय टीम में दोबारा खेलने का आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। लव यू फॉर एवर, इंस्पेक्टर साहब। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।